सब्सक्राइब करिए नेक्सॉन टेक को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों बढ़ते रह जाइए सबसे पहले टेक न्यूज़ की तरफ। दोस्तों सबसे पहले जो टेक न्यूज़ आ रही है वो एमआई की तरफ से। एमआई का जो स्मार्ट टीवी है 4A प्रो वो दो साइज़ में आता है 32 इंचेस और 43 इंचेस। दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे उसको ऑफर मिल रही है, अगर आप खरीदना चाहते हैं दोस्तों खरीद सकते हैं। आपको 32 इंचेस वाले पे 500 रुपीज ऑफ मिल रहे हैं, उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 13,000। आपको उसकी प्राइस अभी जो पड़ रही है वो पड़ रही है 12,500 और 43 इंचेस वाले की जो प्राइस है वो है 23,000 और वो आपको पड़ रही है अभी 22,000। अगर आप पे करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छी ऑप्शन है। तो ये ऑफर आपको अच्छी खासी फ्लिपकार्ट अमेज़न पे देखने को मिल जाएगी। आपका स्वागत है आज के हमारे टेक न्यूज़ हैशटैग 11 में। मैं हूं मयंक, आप देख रहे हैं नेक्सॉन टेक। बढ़ते हैं आज के हमारी सेकंड टेक न्यूज़ की तरफ। सेकंड टेक न्यूज़ आ रही है हमारी गूगल की तरफ से। दोस्तों गूगल ने जो है 1 लाख यूनिट्स होम मिनी स्पीकर्स की जो है डोनेट कर दी है पैनलेस पीपल को। दोस्तों काफी ज्यादा अच्छे इनिशिएटिव था गूगल की तरफ से, क्योंकि जो स्पीकर्स है स्मार्ट स्पीकर्स है ये जो उसमें जो है इनबिल्ट गूगल वॉइस असिस्टेंट को देखने को मिल जाता है तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्प होती है। दोस्तों इस इनिशिएटिव से काफी सारी कंपनियों को यार देखना चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए पैनलेस पीपल को, और जो नीडी पीपल है उनकी हेल्प करनी चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं आज की थर्ड टेक न्यूज़ की तरफ। दोस्तों थर्ड टेक न्यूज़ आ रही है हमारी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की जो कोर्टाना है उसमें अभी रिसेंटली जो है काम कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट की टीम। दोस्तों उसमें आपको एक फीचर ऐड होने वाला है कि जैसे कि आप गूगल में चैट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी आते हैं और साथ ही साथ आप वॉइस क्वेरीज भी कर सकते हैं। तो वो जो है अब लाइव हो चुका है, आपको बीटा टेस्टिंग में अब लाइव मिल चुका है, आप विंडोज 10 के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारी फोर्थ टेक न्यूज़ की तरफ। दोस्तों फोर्थ टेक न्यूज़ आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। दोस्तों आप जैसा कि सब जानते हैं कि आप फोन के थ्रू जो है पीसी में लॉगिन कर सकते हैं व्हाट्सएप वेब के थ्रू, लेकिन दोस्तों जो है रिसेंटली अपडेट आने वाला है जल्दी ही, उसमें क्या होगा कि आप बिना अपने फोन के यार व्हाट्सएप वेब में लॉगिन कर पाएंगे, पीसी में आप बिना फोन के लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों यार इससे फायदा ही क्या होगा कि जैसे आपका कभी फोन स्विच ऑफ हो गया यार आप कैसे लॉगिन करोगे व्हाट्सएप वेब में, तो ये जो है इसके लिए जो है अपडेट रिसेंटली जल्दी आने वाला है। बढ़ते हैं आज के फिफ्थ टेक्निक्स की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते ही हैं काफी तरीके के अटैक्स होते हैं, जैसे कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और पासवर्ड स्टीलिंग मालवेयर अटैक। तो मतलब मालवेयर के थ्रू काफी सारे अटैक्स हो सकते हैं पॉसिबली आपके फोन में भी और आपके पीसी में भी। तो दोस्तों कैस्परस्काई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% जो है पासवर्ड स्टीलिंग मालवेयर अटैक जो है इंक्रीज हो गया है और ये जो है बढ़ता रहेगा अगर क्या कहते हैं कुछ एक्शन स्ट्रिक्टली नहीं लिए गए। तो दोस्तों थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का बिल्कुल यूज मत करिए, वहां पे फेसबुक गूगल का पासवर्ड मत डालिए और साथ ही साथ आप जो है बिल्कुल भी जो है अपने पीसी को विदाउट एंटीवायरस मत रखिए, एंटीवायरस जरूर डालिए। दोस्तों बढ़ते रहे आज की हमारी सिक्स टेक न्यूज़ की तरफ से। दोस्तों सिक्स टेक न्यूज़ आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। दोस्तों आप सब जैसे जानते ही हैं कि यार व्हाट्सएप के जो है 1 बिलियन प्लस जो है डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पे और साथ ही साथ काफी ज्यादा एक्टिव यूजर्स रहते हैं व्हाट्सएप पे। अभी रिसेंटली डाटा में जो है व्हाट्सएप ने ये बताया कि 400 मिलियन लाइव यूजर्स रहते हैं इंडिया के अंदर। तो यार काफी ज्यादा बड़ी बात है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो है काफी सारे सोशल मीडिया एप्स हैं लेकिन व्हाट्सएप जो है सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा जो है लाइव बंदे उस पे रहते हैं। तो बढ़ते हैं आज की लास्ट टेक न्यूज़ की तरफ। दोस्तों लास्ट टेक न्यूज़ आ रही है गूगल की तरफ से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यार गूगल का जो है गो सीरीज है जो कि एक लाइट वेट अल्टरनेटिव है और दोस्तों उसमें एक जो है नई ऐप आ चुकी है जिसका नाम रखा गया गैलरी गो। ये गूगल फोटोज का एक छोटा फॉर्म है। दोस्तों ये इसलिए ऐड करा गया क्योंकि गूगल को प्लेटफॉर्म में जो है उनको एक जरूरत थी गैलरी ऐप की, जिसमें वो गूगल फोटोज को नहीं रख सकते थे क्योंकि वो गो प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। तो ये नई ऐप अब वहां पे आ चुकी है और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसीलिए गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो दोस्तों यार आज की टेक्नोलॉजी बस इतना ही। अगर ये टेक्नोलॉजी आपको यूजफुल लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बने रहिए नेक्सॉन टेक के साथ, फ्यूचर में अच्छी वीडियोस आती रहेंगी।